नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 अगस्त 2024 की शाम 7:32 पर भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि चक्र की चतुर्थ राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 सितंबर 2024 तक ये सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ सम सप्तक योग भी बनाने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो देखिए, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा सात्विक ग्रह अग्नि तत्व प्रधान गर्म ग्रह माना जाता है। सूर्य के अंदर राजसी गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इनको समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का ही प्रभाव होता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव मजबूत और प्रभावी अवस्था में अगर विराजित हो, यानी कुंडली में मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में हो, या अपनी स्वयं की राशि सिंह में विराजित हो और कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, दशम भाव और एकादश भाव में अगर सूर्य की मौजूदगी हो, देखिए कई प्रकार के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता, आकर्षण क्षमता मौजूद होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंदर में काम कराने के लिए सक्षम होता है। बलि सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता मिलती है और करियर में शीर्ष पर पहुंचना सूर्य के प्रभाव से ही संभव है। सूर्य बलि हो तो जातक अधिक से अधिक धन एकत्रित करने में सफल रहता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से पिता के साथ संबंध खराब रहना, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डी जनित समस्या, पीलिया की बीमारी, घुटनों में समस्या देखने के लिए मिलती है। सूर्य पीड़ित हो तो जातक दिखावा भी काफी ज्यादा करता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। मेष राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपकी राशि के प्रबल राजयोग प्रदाता आपकी राशि के लिए सूर्यदेव माने जाते हैं, जो 16 अगस्त 2024 को आपके पंचम घर में पंचम भाव के स्वामी होकर प्रवेश करने वाले हैं। देख, कुंडली का जो पंचम भाव है उससे बुद्धि के बारे में, संतान के बारे में, विवेक, शास्त्र के बारे में, साहित्य लेखन के बारे में, गर्भ धारण क्षमता के बारे में और प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में सूर्यदेव का स्वराशिस्थ होकर पंचम भाव में विराजित होना यह मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाला है। सबसे पहले इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में आपको संतोषजनक परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र में काम करते हुए नजर आने वाले हैं और इसकी वजह से करियर में सफलता
नौकरी पेशा जातकों को भी मिलने वाली है और कारोबारी जातकों को भी मिलने वाली है। मेष राशि के कारोबारी जातकों के लिए इस समयावधि में बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। सूर्य पंचम घर में विराजित होंगे, इस एक महीने की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों का जो आत्मविश्वास है उसमें प्रबल वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में ऐसे जातक जिनके लिए किसी प्रकार का जिनके जीवन में कार्य नहीं है, देखिए किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में सूर्य की सप्तम दृष्टि, जैसा कि आपको पता है सातवीं दृष्टि होती है, आपके इलेवंथ हाउस यानी आपके लाभ भाव पर जाने वाली है, जहां मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता बनाने में सफल रहने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति इस समयावधि में मजबूत होने वाली है। किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कर्जा वगैरह बना हुआ है, कर्जों से आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में पंचम घर में विराजित हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक इस समयावधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। और यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में मधुरता मिलने वाली है। जहां जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है, वहीं जीवन साथी के प्रति घूमने फिरने की योजना भी आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए कुंडली के पंचम घर में विराजित हैं, ऐसे में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। दोस्तों सूर्य देव जो हैं वो पंचम भाव में प्रभावी रहेंगे, ऐसे में संतान पक्ष की उन्नति का योग भी बनने वाला है। साथ में ऐसे मेष राशि वाले जातक जिनको संतान सुख नहीं है, तो देखिए आपके जीवन में इस समयावधि में नवीन संतति का लाभ देने वाले हैं। सूर्य की कृपा से आपको नवीन संतान मिल सकती है। और यहां पर पंचम भाव में प्रभावी है, तो जहां आपकी बुद्धिमत्ता में एकाग्रता मिलने वाली है, वहीं शारीरिक कष्टों से भी आपको निजात देने वाले हैं। मेष राशि के जो जातक इस समयावधि में हड्डी जनित बीमारी का सामना कर रहे हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है यानी फेफड़े में समस्या है, हृदय से जुड़ी हुई समस्या है, या मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को दो खास बातों का ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को क्रोध के वशीभूत होकर जीवन में बड़ा फैसला लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए आपको यदि आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आप अपने जीवन के अनुभवों को या अपने योजनाओं को डिस्कस करने से जीवन में बचें। रोजाना सूर्य को जलाभिषेक करना, सूर्य नमस्कार करना मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहेगा। साथ में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रविवार के दिन गेहूं, तांबा, गुड़, इन चीजों का यदि आप दान सात्विक ब्राह्मण को करते हैं तो आपके जीवन में चल रही सूर्य के दुष्प्रभाव समाप्त होने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर व्यवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।